877 है ना भाई, पैसा देख रहा, पैसा ही पैसा। सो चेक दिस आउट गाइस, फाइनली अभी ले लिया टीवीएस एटोर का ओरिजिनल बेल्ट गाइस, चेक दिस आउट। सो हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस एंड कैसे हो सब आयो की सब बढ़िया होंगे, जब बढ़िया रहना पूरा फुल पावर तबाही के साथ गाइस एंड गाइस। देख रहे इस ब्लॉग की तो फिलहाल शुरुआत हो रही है गाइस काजू बगान से यार, जो हम लोग का घर साइड पड़ता है गाइस, ये चेक करो गाइस, पूरा काजू का पेड़ है यार, चेक दिस आउट। तो गाइस यार कल वाला ब्लॉग में तो आप लोगों को देख के पता चल गया हो कि आखिर मेरा गाड़ी कहाँ था यार, दीपक भाई के घर में मेरा गाड़ी खड़ा है क्योंकि यार खराब हो गया वो गाड़ी, इसलिए हम दीपक भाई घर में खड़ा कर दिए। और अभी देख रहे हो शिव ब्रो मेरे को लेने आया गाइस, चेक दिस आउट, तब इसी में हम लोग जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग स्ट्रिंग पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए काजू बगान में गाइस, चेक दिस आउट यार, ये रहा स्ट्रिंग है, इधर रहा कलवा ब्रो, इधर मिक्सचर खा रहा है सुबह सुबह। आइए आप लोग पूरा काजू खाइए, चोरा के भी ले जाइए। अच्छा काजू नहीं है भाई, काजू खत्म हो गया यार। तो गाइस यार चलो निकलते हैं यहाँ से, फिलहाल स्ट्रिंग विस्ट्रिंग पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट गोप्रो में पूरा फुल पावर तबाही के साथ, बाय। सो गाइस यार फिलहाल हम से ब्रो तो निकल चुके हैं शोरूम जाने के लिए, और वहाँ से हम लोग जाकर बेल्ट खरीदना ओरिजिनल वाला यार, और दीपक के घर में मेरा गाड़ी खड़ा है तो वही अभी जाकर उठाना भी है गाड़ी को यार। मेरे को यार दो बेल्ट दिखाया था, कोकर वाला जो शॉप में हम लोग कल गए हुए थे, एक ओरिजिनल है गाइस यार एक डुप्लीकेट है, तो मैं बोला यार दोनों को दिखलाइए तो पता चल जाएगा आखिर में कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है यार, कम से कम देखना चाहते थे हम लोग। तो दिखाया यार तो एक डब्बा में था और एक प्लास्टिक में था यार, तो जो डब्बा वाला था यार वो डुप्लीकेट था और उसका प्रिंट था यार सिर्फ 550 रुपये सिर्फ प्रिंट था यार उसका, ओरिजिनल का 900 रुपया प्राइस जब बताया था गाइस वो कि ये डुप्लीकेट है यार, तो मेरे को पता चला कि यार पहले बार तो मेरे को यही लगा दिया था डुप्लीकेट वाला, और वो दुकान वाला यार मेरे को पहले बोला था कि ये ओरिजिनल है यार, जहाँ से मैं पहले लगवाया था अपना बेल्ट यार, मैं शौक में पड़ गया यार, फिर मैं उसको कॉल किया और पूछा कि आखिर डुप्लीकेट लगाया था कि ओरिजिनल, तो यार फिर भी वो बोल रहा है कि ओरिजिनल बेल्ट है यार, आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ, ऐसे वैसे पूरा यार मेरे को पूरा चढ़ा रहा अपने सर पे यार, क्या बोलोगे। फिर भी यार छोड़ो कोई नहीं यार, दूसरा बार से तो अब जाएंगे नहीं यार, क्योंकि जो भरोसा था यार उस दुकान पे वो टूट चुका है यार, पहले तो मैं सर्विसिंग सब भी वहीं से करवाता था, बट अब कोई सीन नहीं यार वहाँ जाने का, कभी नहीं जाऊंगा यार अब वो दुकान यार, सब कुछ यार डुप्लीकेट लगाता है तो मैं क्यों जाऊंगा ना, जो भी काम होगा यार सिर्फ शोरूम से करवाऊंगा यार, ये शॉप सब में यार भरोसा नहीं है मेरे को यार। तो चलो सबसे पहले चलते हैं दीपक भाई के घर यार, वहाँ से अपना गाड़ी उठाते हैं टीवीएस सेंटर, उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग शोरूम के लिए। तो गाइस यार फाइनली अभी पहुंच चुके हैं दीपक भाई के घर यार, तो चलो यहाँ से अपना टीवीएस सेंटर निकालते हैं यार, चेक दिस आउट, ये रहा दीपक भाई का घर। ओ यार चेक दिस आउट गाइस, चाबी निकाला, हाँ चाबी लेके आए, चाबी यार भूल गए थे यार घर पे, उसको लेकर के आए फिलहाल, चेक दिस आउट ये रहा, अरे भाई इतना गंदा होके रखा, पूरा गंदा हो चुका है, अरे तब इसको ले जाते यार शोरूम सबसे पहले, उसके बाद टाइम मिलेगा तो वॉश भी करवा लूँगा। ओह 12:00 गाइस टाइम देखो यार, 12:12 हो रहा है फिलहाल, बैठो, पूरा साउंड कर रहा है भारी यार इंजन से, इसको चेंज कराना बहुत ज़रूरी है यार। फिलहाल तो गाइस यार धीरे धीरे जाना पड़ेगा यार, क्योंकि समझ रहे हो ना कभी भी धोखा दे सकता है बीच रोड पे। चलो यार फिलहाल निकलता हूँ शोरूम की ओर, फिलहाल तो अपना गाड़ी निकाल लिया हो दीपक भाई के घर से, तभी मेरे को सिर्फ जाना है शोरूम, उसके बाद फिर शोरूम में देखता हूँ यार, ज्यादा भीड़ होगा तो यार शोरूम से नहीं लगवाऊंगा अपना बेल्ट गाइस, यार जो बेल्ट है उसको कोई गैरेज में ले जाके लगवाऊंगा यार पूरा फुल पावर में गाइस। अरे भाई साहब इतना ज्यादा गर्मी है ना गाइस, आप लोग सोच नहीं सकते हो यार, आप लोग को पता चल ही रहा होगा कितना ज्यादा गर्मी है यार, क्योंकि टाइम देखो आप लोग यार 12:13 हो रहा है, आपको पता ही होगा गाइस दोपहर में कितना ज्यादा गर्मी रहता है यार, फिर भी हम लोग का काम है यार, काम तो करना बनता है गाइस, कितना भी धूप हो गाइस हम लोग अपना काम कभी नहीं छोड़ते यार, जो काम है उसको पूरा करते ही है, तो फिलहाल करने ही जा रहा हूँ यार, फिलहाल अभी धीरे धीरे निकल रहा हूँ। तो गाइस यार फाइनली अभी पहुंच चुके टीवीएस सेंटर का सर्विस सेंटर यार, तो चलो यहीं जाके बेल्ट खरीदना है मेरे को फिलहाल, तो बेल्ट खरीदता हूँ यार पूरा फुल पावर में, चलो यहीं पर पार्क करता हूँ गाइस फिलहाल गाड़ी, और जाके तुरंत से सामान खरीदता हूँ यार, एंटोर का बेल्ट चाहिए था, बेल्ट एंटोर का बनाता है, हाँ ब्लॉग्स बनाते हैं, हाँ ब्लॉग्स बनाते हैं, द विशाल ऑफिशियल, 877 है ना वही प्राइस है पूरा, उधर भाई पैसा देख रहा, पैसा ही पैसा, कितना बोला 877 रुपये पकड़, तो 800 रुपया
चलो 875। सो चेक दिस आउट गाइस, फाइनली अभी ले लिया टीवीएस एटोर का ओरिजिनल बेल्ट गाइस, चेक दिस आउट, ये रहा ओरिजिनल बेल्ट है यार, यही टीवीएस मोटर्स पार्ट्स, माय गॉड ओरिजिनल बेल्ट आखिर यही है यार, हम लोग डुप्लीकेट बेल्ट लगाए थे पिछले बार गाइस, मेरे को नहीं पता था यार कौन है ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट, यार आज पता चला आखिर में जा करके, ये ओरिजिनल बेल्ट है यार। तो चलो अब इसको कोई गैरेज में ले जाके लगवाता हूँ यार बुट्टी मोड़ का। ओ सबसे जल्दी यार बेल्ट ही का प्रॉब्लम होता है टीवीएस एटोर में यार, बेल्ट का बहुत कोई के बारे में सुना हो यार, कोई दिक्कत नहीं है गाइज यार। अब चलो सबसे पहले चलते हैं गैरेज यार। तो गाइज यार फाइनली अभी तो ले लिया बेल्ट, तो अभी सबसे पहले चलते हैं गैरेज यार, वहां जाके लगवाता है अपना गाड़ी में पूरा फुल पावर में गाइज। इतना ज्यादा गर्मी है गाइज यार, सोच नहीं सकते हो यार, पक जाएंगे लग रहा धूप से, हेलमेट पहना हो तो यार इतना ज्यादा लग रहा है ना गर्मी, पूरा लगता है यार मेरा पसीना से मेरा चेहरा भीग गया यार, पूरा पसीना से यार, यहाँ तक कि गाइज यार मेरा हेलमेट भी भीग गया यार पसीना से, मेरा चेहरा का पसीना से यार। ओ भाई 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 बेल्ट लगाना था भैया, बेल्ट लगाना था। हाँ 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 यार इतना गंदा, इसको वॉश भी करवाना है। अरे नहीं पूरा खोलना पड़ता बेल्ट लगाने के लिए, बेल्ट लगाने के लिए पूरा खोलना पड़ता भाई, देखो हाल क्या हो रखा है बेल्ट का, रस्सी निकल गया भाई, कोई फॉल्ट तो नहीं ना इस सब में जो उससे कटेगा, और कहा बोल रहा है वो मिस्त्री कोई फॉल्ट है इसीलिए कटा होगा। एस्केलेटर ले तो हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो एक ना आवाज करता था बहुत अजीब, और हमको लगा था दूसरा वो अच्छी की वजह से करता होगा बट नहीं पता था, लीजिए। तो गाइस यार फाइनली जो साउंड करता था यार मेरे इंजन से वो तो दब चुका है पूरा फुल पावर यार, पूरा मजा आ रहा है अब गाड़ी चलाने में यार, देख रहे हो यार एक भी साउंड नहीं कर रहा गाइस यार, चेक दिस आउट, अब ना मजा आएगा यार गाड़ी भगाने में गाइस, चेक दिस आउट यार, पिकअप भी आई थी उसी की वजह से घट गया था यार, अभी पूरा स्मूथली चल रहा है यार मेरा गाड़ी यार, अभी का टाइम देखो गाइस 12:53 हो रही है फिलहाल, तो अभी जा रहा हूँ सबसे पहले सिप ब्रो गया, वहाँ जाकर मेरे को ब्लॉग अपलोड करनी है, क्योंकि यार ब्लॉग अपलोड करना बहुत जरूरी है गाइस, 4 बजे आप लोग को मिल जाएगी पूरा फुल पावर तबाही के साथ यार, तो ब्लॉग अपलोड करता हूँ फिर निकलता हूँ यार अपना गाड़ी वॉश करवाने के लिए। तो गाइस यार फाइनली अभी तो पूरा फुल पावर ब्लॉग अपलोड भी हो चुका है गाइस, ये चेक करो यार ब्लॉग अपलोड पूरा हो चुका है, चेक दिस आउट, ये रहा ब्लॉग अपलोड हो चुका है, क्योंकि यार यहाँ वाईफाई लगा हुआ था तो तुरंत से अपलोड हो गया था, फिलहाल चलते हैं सबसे पहले यार गाड़ी वॉश करवाने के लिए पूरा फुल पावर में गाइस, तो चलो बाहर निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से GoPro में पूरा फुल पावर। सो गाइस यार फिलहाल तो अभी गए थे यार वॉशिंग सेंटर, बट यार लाइट ही कटा हुआ यार, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस यार, अभी का टाइम देखो यार 3:53 हो रही है फिलहाल, एंड गाइस यार क्या बताओ यार कहीं इधर लाइट ही नहीं यार, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अभी फिलहाल जा रहा हूं दीपक भाई घर, अगर वहां लाइट होगा यार तो उसका मशीन से धो लूंगा अपना गाड़ी को यार, क्या ही कर सकता हूँ यार उसके अलावा, और क्योंकि यार पूरा लाइट ही नहीं है यार, इधर बारिश भी हुआ था अचानक से यार जोर से पता नहीं, तभी रोड भी यार पूरा भीगा भीगा लग रहा है, देख रहे हो गाइस यार, ब्लॉग अपलोड करने का टाइम भी हो रहा है गाइस, चेक दिस आउट यार, अभी 2 मिनट से भी बचा हुआ है तो ब्लॉग भी पब्लिश कर दूंगा पूरा फुल पावर में यार, लाइट भी नहीं कैसे गाड़ी धोए, अब कहीं लाइट नहीं है इधर, चलो यार लाइन तो आ गया अब धो देगा ना, कहाँ गया मिस्त्री, अब तो धो सकता है ना जी, लाइन आ गया, लाइन आ गया, अजय तो तभी है तो आए थे जी, मालिक को लेकर आना पड़ेगा लग रहा है, छोड़ दो यहाँ का मालिक उठा के लेकर आना पड़ेगा गाइस यार, गद्दारी कर रहा है यहाँ का मिस्त्री, अबे बोल रहा है ना नहीं हो पाएगा, बोलता गाड़ी धो रहे हैं, चल तो गाइस यार फिलहाल तो मालिक को बैठा लिया, तो अभी चलो देखते हैं यार क्या होता है यार, अभी वॉशिंग सेंटर में आपको पता चलेगा, आगे चल के पूरा फुल पावर में यार, तो पूरा एंड तक बने रहना मेरा इस वीडियो पे गाइस, देखो यार वॉशिंग कैसे नहीं होगा, मालिक इधर है तो वॉशिंग सब होगा, अरे तो गाइस यार मालिक अभी फिलहाल मेरा गाड़ी वॉशिंग कर रहा है, चेक दिस आउट, देख रहे हो गंदा कैसा निकल रहा है यार,
बहुत खतरनाक गंदा निकल रहा है। तो गाइस यार फाइनली अभी तो पूरा फुल पावर वॉशिंग हो चुका है, तो अभी निकलते हैं फिलहाल घर की ओर यार। अब पूरा चमक रहा है मेरी गाड़ी यार, पूरा फुल पावर में। चेक दिस आउट, अब देख के भी अच्छा लग रहा है यार। गाड़ी साफ साफ रखने का मजा ही कुछ और आता है यार अपना गाड़ी को। और गाइस यार अभी का टाइम देखो 6:16 हो रहा है। तो गाइस यार चलो फिलहाल गाड़ी भगाता हो यार, बहुत दिनों बाद गाड़ी भगाने का मजा आ रहा है यार। और गाइस आज मेरे साथ जा रहे दीपक और कलुआ ब्रो, दोनों मेरे ही घर पर रुकेंगे यार पूरा फुल पावर में। तो आज हम लोग तीनों मिलकर पूरा रात में मस्ती करने वाले हैं यार। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही रहता है, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पूरा फुल पावर तबाही के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू गाइस, पूरा फुल पावर तबाही, बाय बाय। अब तेरे बिना यहां मेरी सांसें जैसे